पंजाब और केपी असेंबली कब टूटेगी, कप्तान आज तारीख देंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज लग गया। पार्टी परचमों की बहार, काटनों को आज शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई। इमरान खान आज रात 8 बजे जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान के पंजाब और केपी के वजीर आला से राबते, आज दोनों वजीर आला को एहतजाजी इज्तमा में बुला लिया। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनान में जोश जज्बा, लाहौर ओकाड़ा कामोकी समेत कई शहरों में पीटीआई की रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। काफ लेखा इमरान खान को अभी पंजाब असेंबली ना तोड़ने का मशवरा, मोने सुलाही ने चौधरी परवेज इलाही का पैगाम इमरान खान को दे दिया, कहा यह वक्त असेंबलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं, मगर आप जब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। हलकों में तरक्याती काम जारी हैं, अराकीन की अक्सरियत भी यही चाहती है। असेंबली तोड़ने का इख्तियार आपको सौंप दिया, हतमी फैसला आप ही करेंगे। असेंबलियाँ जल्द तोड़ने से पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही खसूसी तैयारे पर रावलपिंडी पहुँचे, ज़रा के मुताबिक अहम शख्सियत से एक मुलाकात की। पीडीएम का असेंबलियां टूटने पर प्लान फाइनल, मुतबादल हिकमत अमली तैयार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुशावरत मुकम्मल। उबूरी हुकूमत का दुरानिया बढ़ाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर, मुआशी मुश्किलात को जवाज़ बनाकर उबूरी हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने पर बातचीत। हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल एमरजेंसी के निफास का ऑप्शन भी प्लान में शामिल। उधर सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफों की गर्दान ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना इनका एजेंडा है, झूठ पर मबनी सियासत इनका वतीरा है। जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जदोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कहता था मैं गद्दारी करूंगा अपनी कौम से अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दूंगा, जिनको आज एनआरओ मिल गया। और आपके सबके सामने वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने मेरे साथ ही नहीं मुल्क के साथ संगीन मजाक किया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जवान पार्क लाहौर में तजियाकारों से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कानून खत्म होना चाहिए, नई फौजी क्यादत से उम्मीद है वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगी, अरबों रुपए लूट कर खाने वालों से मुजाकरात नहीं होंगे, दिसंबर के महीने में ही असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। इमरान खान ने कहा मैं बेबस था, जनरल बाजवा फैसला करते थे किसे छोड़ना किसे अंदर करना है, शहबाज शरीफ का केस ही नहीं लगता था, मैं वज़ीर आज़म बेबस बैठा था। सदर आरिफ अलवी की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, सबको इंतजार, सदर मुमलिकत लाहौर में मौजूद रहे। सदर मुमलिकत की 24 घंटे में स्पीकर पंजाब असेंबली से दूसरी मुलाकात, मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान के फैसले का इंतजार, चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असेंबली बारे इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज रहा है, मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। 13 जमातें मिलकर भी कौमी मईशत को संभाल नहीं पा रही, विफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपये रोकना काबिल मजम्मत है। नून लीग की जारहाना सियासी हिकमत अमली, अवामी राबता मुहिम को टॉप गियर लगा दिया। कसूर शेखपुरा सवात में वर्कर्स कन्वेंशन में सियासी ताकत का मुजाहरा, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कसूर में काटनों से खिताब में कहा इमरान खान सिर्फ धमकियां ना दो असम्बलियाँ तोड़ दो। इमरान खान ने असम्बलियाँ और इंतखाबात को मजाक समझ रखा है। जावेद लतीफ़ ने शेखपुरा में काटनों से खिताब में कहा इमरानी टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। अमीर मकाम ने सवात में लफ्जी रिमांड लेते हुए कहा दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया।
खिलाड़ी शरीफ खानदान के केसेस दोबारा खुलवाने के लिए इन एक्शन। फवाद चौधरी ने कहा कि नैब केसेस में बरियत के फैसलों को भी चैलेंज करेंगे। असम्बलियां तहलील करने के फैसले से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा दिखाई नहीं देती। हमारा एजेंडा इंतखाबात, हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस से जान छुड़ाना है। बिलावल भुट्टो पहले गैर मुल्की दौरों का हिसाब दें। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई में फंसे आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ का महंगाई के खात्मे के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को हिदायत देते हुए कहा, आवाम को साबिक हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीसा, हमने रिलीफ देना है। नौजवानों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार किया जाए। रोजगार फराहमी पैकेज के लिए टास्क दे दिया। मायूसी और नफरत से बचाकर नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ लाना है। मुआशी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। वज़ीर-ए-आज़म की गैस बिजली के बिलों में भी रिलीफ के इकदामात तजवीज़ करने की हिदायत। रूस से तेल खरीदारी पर वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर खारजा आमने सामने। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। वहाँ से खाम तेल मिलेगा और रियायती कीमत पर मिलेगा। दूसरी तरफ वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूस से तेल खरीदने की तरदीद। कहा, पाकिस्तान रूस से सस्ती तवानाई हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिलावल भुट्टो की तरदीद पर कहा, बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि इस वक्त रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। हमारा फ़र्ज है हम वज़ारत खारजा को एतमाद दिलें, हम तेल की खरीदारी से मुतालिक इबहाम दूर करेंगे। मुझसे पूछा गया, आपके पास कोई मुआशी हल है? मैंने कहा, हाँ है। मुझ मुआशी प्लान देने का कहा गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में LC नहीं खुल रही, एयरलाइंस को पैसे नहीं मिल रहे। हमाद अज़र बोले, PDM हुकूमत की वजह से मुल्क में मसाइल बढ़ गए। बिलावल भुट्टो के मोदी को कसाई कहने पर इंतहा पसंद हिंदू भड़क उठे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जरहाना तकरीर से भारत में आग लग गई। हुक्मरान जमात BJP ने आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब देते हुए कहा था कि उसामा बिन लादेन मर चुका, मगर गुजरात का कसाई जिंदा है। मोदी RSS के वज़ीर आज़म हैं। RSS का तसव्वुर हिटलर की नाज़ी जमात से लिया गया था। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सरहदी दहशतगर्दी नामंजूर, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चमन में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी की शदीद मजम्मत की गई। वाक़े के नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। इस बात का इरादा किया गया कि शहरियों का तहफ़ दोनों फरीकैन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक बरकरार रखने के लिए पूरे अपने ग्रुप के साथ ही निकल लेते हैं। वहाँ पे स्नैचर्स आए मोबाइल और एक मोबाइल की खातिर इन्होंने ये कर दिया। यहाँ भी लगा फायर, फिर वहाँ भी उसको जाके वहीं दोनों ने फिर मारा है। कराची में डाकू जल्लाद बन गए, अवाम की जानो माल गैर महफूज। NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कातिल में मुलव्वस मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, कई वारदातों का इतराफ भी कर लिया। कराची पुलिस चीफ ने शहरियों को मशवरा देते हुए कहा है कि बराए मेहरबानी डाकुओं से मुज़ाहमत ना करें। उधर तलबा का प्ले कार्ड उठाकर यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन ने यूनिवर्सिटी रोड का एक ट्रैक बंद किए रखा। आज़म सवाती को रिहा करो, रिहा करो। सेनेट में PTI सेनेटर्स का हंगामा, अपोजिशन अराकीन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किए रखा। आज़म सवाती को रिहा करो के नारे लगाते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। रमजान शुगर मिल्स बेनामी अकाउंट्स केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। सुलेमान शहबाज शामिल तफ्तीश हो गए। FIA लाहौर ने सुलेमान शहबाज को सवालनामा दे दिया। जरा के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने सवालों के जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। सुलेमान शहबाज सवालों के तहरीरी जवाब जमा कराएंगे। सिंध हाउस इस्लामाबाद बेजाबतियों और करप्शन का गढ़ बन गया।
एजी सिंध की ऑडिट रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दिया। रिपोर्ट में मामूली चीज़ों पर करोड़ों रुपए के अखराजात, दीगर सूबों के अफराद भर्ती करने का भी इंकशाफ। कीड़े मारने की दवा 17 लाख, वॉल फ्रेम 9 लाख, पेट्रोल कीमत में 1 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। तकिए कंबल की खरीदारी पर भी लाखों रुपए खर्च कर दिए। कमरे का फी पर्दा 7,500 में दिलवाया गया। सफाई के लिए 5 लाख का सर्फ इस्तेमाल। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान, आवाम जाए तो जाए कहाँ। कराची में एक बार फिर दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा, डेयरी माफिया बेकाबू। 1.5 माह के वक्फे से दूध की दोबारा कीमत बढ़ा दी। कराची में दूध का सरकारी रेट 180 रुपए फी लीटर मुकर्र। कमिश्नर कराची भी दूध की कीमत में इजाफे पर राजी हो गए। सैलाब गुजर गया लेकिन हजारों मसाइल छोड़ गया। सैलाब मुतासीन सर्दी में बेयारो मददगार, खेमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। मुश्किलात बहुत बढ़ गईं। मुतासीन के पास ना पुख्ता छत है और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। बच्चे बूढ़े बीमार होने लगे। सेवन में यूनियन काउंसिल आराजी, बोबक, जाफराबाद, चना और वाहड़ के हालात खराब। कई जगहों पर पानी अब भी मौजूद। सैलाब मुतासीन को अभी तक इमदाद का इंतजार।